हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार इस वीडियो में। तो आज आपको बताएंगे कि ड्रोन में कोई ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 2 से 3 सेटिंग करो और KK 2.1.5 जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है उससे ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप जो इसमें बैटरी के तार जोड़ते हैं तो ईरर लीक किया जाता है। तो सबसे पहले ईरर लिख के आ रहा है। अब हम सबसे पहले एक ही चीज़ करेंगे जो सबसे लास्ट में मिलेगी, फैक्ट्री रीसेट, इसे कर देते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यस कर दिया। फिर उसके बाद सीधे बैक आइएगा। बैक आने के बाद आप कौन सा मोड बना रहे हैं, ज़्यादातर लोग एक्स मोड बनाते हैं, तो एक्स मोड पे जाइएगा, इंटर कीजिए, फिर यस कीजिए। फिर उसके बाद कोई भी बटन ना दबाए सीधे बैक जाइए। बैक जाने के बाद डबल बैक जाइए, फिर ईरर लिख के आ रहा है। अब इसके बाद सिर्फ आपको ACC कैलिब्रेशन ही सिर्फ करना है। ACC कैलिब्रेशन करने के बाद आप सीधे इसे फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप जाइएगा नीचे, ACC कैलिब्रेशन कीजिएगा, कंटिन्यू। ये करते समय ध्यान रखिएगा आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है, जो ड्रोन बनाया है आपने, वो बिल्कुल सरफेस बिल्कुल बराबर एरिया में रखा होना चाहिए, कहीं भी ऊंचा खाली ना हो। ACC कैलिब्रेशन हो गया, सेफ हो गया। अब बैटरी के तार अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ से ऑन करते हैं इसे, और थ्रॉटल को ऊपर करेंगे। इसको करने के बाद अब फर्स्ट एंड लास्ट दोनों बटन प्रेस करनी है एक साथ में। उसे दबाए रखने के बाद ही बैटरी के तार जुड़ने हैं। बैटरी के तार जुड़ने के बाद आपको, जैसे आपकी बैटरी के तार जुड़ जाएंगे उसके बाद उसमें लिख के आएगा थ्रॉटल डाउन। थ्रॉटल डाउन मैंने पहले ही कर दी है जैसे ही ACC कैलिब्रेशन करने के बाद। तो आप इसे देख सकते हैं उड़ाने के लिए तैयार है। और इसे आप कनेक्ट कैसे करेंगे, तो जिससे हम लोग रेस ऊपर करते हैं उसे आप राइट लेफ्ट में प्रेस करे रखना 3-4 सेकंड। ये रेड लाइट जली है, अलार्म लिख के आ रहा है। अब आप फ्लाई करने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, मैं आपको उड़ा के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप बनाइएगा। मैंने अब इसमें कैमरा लगाने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा ये कितनी दूर तक जा सकता है और कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। अभी तक तो हम उतनी ही दूर ले गए जितना हमें दिखाई दे सका, फिर भी काफ़ी दूर ले जाने की कोशिश की है, कोई डिसबैलेंस नहीं है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह से पिछली वीडियो देखी आपने, जो ड्रोन मैंने उड़ाया था पूरा उसमें दिखाया था, उसमें 1K के ऊपर व्यूज पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।